नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PLC IDHM एजुकेशन के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लेके आए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा LDC भर्ती 2018 से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, जिसके अंदर बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। तो ऑफिशियल नोटिस पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आप देख पा रहे हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, जिसके अंदर LDC भर्ती 2018 से संबंधित बड़ी अपडेट जारी की गई है। आखिरकार उस ऑफिशियल नोटिस के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट जारी की गई, तो ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे हो हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, और इसके अंदर एक LDC भर्ती 2018 से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। इसके अंदर बताया गया, लास्ट चांस फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ एब्सेंट PH कैंडिडेट्स। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इसके अंदर बताया गया है कि लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 की जो भर्ती थी, उसके अंतर्गत जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे और उनके जो शेष रहे पद बैकलॉग भरने के लिए, जो दिनांक 1/6/2020 को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध कर उनके रोल नंबर वेबसाइट पर जारी किए गए थे, उनके दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 8/6/2020 को सूचना जारी की गई थी, तथा बोर्ड परिसर में दिनांक 15/6/2020 से दिनांक 23/6/2020 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया था। इसके उपरांत अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी को एक और मौका देते हुए बोर्ड परिसर में दिनांक 8/7/2020 तथा 9/7/2020 को दस्तावेज सत्यापन किया गया था, और उपरोक्त दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी को निम्नलिखित रोल नंबर के अनुसार पुनः एक और अंतिम मौका देने हेतु सूचित किया जाता है। तो साथियों, इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी थे और बैकलॉग वाले जो कैंडिडेट थे, जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था 15/6/2020 से 23/6/2020 तक और 8/7/2020 से 9/7/2020 तक, उसके बाद भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी को एक और मौका और अंतिम मौका दिया जा रहा है, और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्यक्रम 24/7/2020 से 4/8/2020 तक राज्य कार्य दिवसों को निर्धारित समय प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक के मध्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर पर पात्रता जांच से जो आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे उनके लिए एक और मौका दिया गया है। ये उन कैंडिडेटों की लिस्ट है जिनका दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ, अनुपस्थित थे और उनको अंतिम मौका दिया गया है। तो ये पूर्णतः ऑफिशियल नोटिस है, सचिव डॉक्टर मुकुट विहारी जांगड़। तो दोस्तों, यही ऑफिशियल अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।